हकीम साहब, अब्बा को हुआ क्या है? दाएं हिस्से पर फालिज का शदीद हमला हुआ है। मैं जाकर दवाई और मालिश के लिए तेल भिजवा देता हूं, मगर मगर क्या? दरअसल बुढ़ापे में इंसान का जिस्म इस मूजी मर्ज का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहता, और खास तौर पर अगर जहनी सुकून ना हो तो मामला और भी संगीन हो जाता है। मैं जाकर दवाई तैयार करता हूं, तुम एक घंटे बाद आकर ले जाना। हाँ। कादर के अब्बा, ये क्या हो गया? जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें क्या? मेरे बाप के साथ हो रहा है। अब्बा क्या कह रहे हैं? अब्बा क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब बोलता था उस वक्त भी तू कब समझती थी? शुक्र कर, एक और जुबान बंद हो गई। कैसी बातें करते हो, मैं किस बात का शुक्र अदा करूं? पीछे हट जा, कोई जरूरत नहीं है हमदर्दी दिखाने की। ना, अब ये बीमार हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर? खा कसम कादर की, ये बीमार हुआ या इसे बीमार किया गया है? क्यों नहीं कहती बूढ़े बाप को बेवा बेटी का गम खाए जा रहा है? तूने मंजूरा को इससे जुदा करके दरबदर कर दिया। खामखा तुम मेरे पीछे पड़ गयो। हाँ, कह दिया मैंने। क्या कहना है तूने? तूने जो कहना था करके दिखा दिया है। भाई को बहन से जुदा कर दिया है, बाप को बेटी से। जालिम, संगदिल, औरत तो घर बनाने के लिए अपना आप फना कर देती है। तूने क्या कुछ बर्बाद नहीं किया? तूने तो नाखून मांस से जुदा कर दिए। क्या बात है, आज मेरी बेटी ने जागना नहीं? कम से कम मुझे मेरे कमरे में तो चैन से रहने दें। सफिया बेटी, सफिया काफी नहीं, बेटी कहना जरूरी है क्या? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा ये रवैया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये रवैया नहीं, रद्दे अमल है अपनी जात की तजलील का। मेरी किसी शौरी कोशिश का अमल दखल नहीं है। किसने तजलील की है तुम्हारी? इस घर में आपके अलावा कोई कुछ कर सकता है? क्या कह रही हो तुम? आप नहीं समझ सकेंगी, बेटी का प्रॉब्लम जानने के लिए सिर्फ माँ ही नहीं, ममता की भी जरूरत होती है, जो आप अंकल कासिम की दौलत के इवज बेच रही हैं। मैं घर में इसलिए पड़ी रह गई कि कीमत उन्होंने शकीला की लगाई है। Thank you.
सवाल तेरे बढ़ते जा रहे हैं रोज बरोज। कादिर इधर आओ, कहाँ रहे हो इतने दिन? पुप्पी मंजूरा और मुनीर अहमद का कुछ पता चला? उनकी तलाश में ही जा रहा हूं। तुम कहां से आए हो? शाहनगर की कोठरी में रखा था, वहां नहीं है। यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं। मैं भी पूछने ही आया हूँ अब्बा, बताने नहीं आया। ये आते ही तुमने क्या सवाल जवाब शुरू कर दिए? इतने दिनों के बाद घर आया, देख नहीं रहे हो कि हो क्या गया यहाँ पे? आफरीन है भाई, घर। ये बहुत सारे लोग एक मकान में रहते हो ना, तो वो मकान घर नहीं बन जाता। घर तो एक इकाई का नाम होता है, जहां हर कोई एक ही मकसद के लिए मिल के सर टकराते हो। ये कैसा घर है? बेटा ढूंढ रहा है, बाप छुपा रहा है। कादर, वो तेरी फूफी है, भाई है वो तेरा, कुछ ख्याल कर। यही तो ख्याल है, यही ख्याल तो सीने पे सांप बन के लौट रहा। बा इस घर का मुंह काला करके पूरे गांव में मेरी नजरें छुका गई। तुम दोनों ने जैसे उनका यहां जीना हराम कर दिया था, क्या करती? जान ना बचाती? बचाती? घरों में वैसे क्या नहीं होता, गर्मी सर्दी तो हर घर में होती है। इज्जत वाली तो वही होती है जो घर में ही अपनी इज्जत बचा कर बैठी हो। यूं घर छोड़ के चला जाए कोई, तो उसके लिए माफी की तो कोई गुंजाइश नहीं होती है। क्यों दादा, बड़ी याद आ रही है फूफी मंजूरा और मुनीर अहमद की? आएंगे आएंगे दादा, तेरे पास तो आएंगे, और अब तो आना ही पड़ेगा उन्हें। क्या कर रही है?
चादर। कौशल, ये तुमने क्या किया जालिम? मेरी बहन को कहां बेच दिया? बहने तो भाइयों की कब्र को अपने आंसुओं से भी ठंडा कर देती। जालिम, ये क्या किया तुम? मैं जीते जी चल रहा हूं, मुझे मेरी बहन से मिलवा दो। मेरे सीने की दोजख को ठंडा कर दो। मैं बेगुनाह को मेरे बाप से बख्शवा दो। सो जाओ, आ जा मेरा बेटा। बेटा, बाबा मर रहा है, मंजूरा भी उसके पास नहीं है। मुझसे वो वैसे ही नाराज है। तू तो चलना बेटा, मरते वक्त उसके पास कोई तो होना चाहिए। हाँ मेरी बेटी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए खास तोहफा है। थैंक यू मम्मी। डोंट मेंशन इट। ब्यूटीफुल मम्मी, ये सफिया नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? सहेली के पास गई है। आपको बता के नहीं गई? उसका मूड कुछ अपसेट है। हाँ मुझे भी लगता है, इसीलिए पूछ रही हूँ। तुम्हें उसे कुछ समझाओ बेटा, मुझे तो अपना दुश्मन समझने लगी है। इसी तरह उसका रिश्ता भी किसी ऐसे अच्छे घराने में तय हो जाएगा। अब उसके इंतजार में ये रिश्ता हाथ से जाने देते क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये बात उस बेवकूफ़ की समझ में नहीं आ रही। मुझे तो डर है कि वो कुछ करना बैठे। मसलन मम्मी, वो झगड़े से लेकर खुदकुशी तक कुछ भी कर सकती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इस वक्त अपनी किस सहेली के पास गई होगी। तुम फोन करके देखो, मेरा ख्याल है राहिला के यहाँ गई है। चले मम्मी, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, आ जाएगी। मम्मी ने इतना अच्छा सेट दिया है, ब्यूटीफुल। सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम सलाम। कुछ बात बनी? अभी तो नहीं, मगर बन जाएगी। अच्छा ये मेरी बात सुनो, ये स्टोर बेच ना दे? क्यों? या फिर उसे कर्जे के लिए रहन रख देते? भाई अजीब जिद्दी किस्म का आदमी है, इतना कमीना शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। देखो हालांकि कागजात में मैंने कोठी की वैल्यू भी ज्यादा लिखवाई थी, सेठ कासम ने भी उसे टेलीफोन किया था, लेकिन आज आके फिर वही ऑब्जेक्शन लगा दिया। कासम भाई से मेरी बात हुई थी। अच्छा फिर?
मंजूरा की जमीन पर बरसों से मोहम्मद बख्श का कब्जा है, आपका उस पर कोई हक नहीं? क्या मतलब? आप मर्द लोग औरत को बात बात पर उल्टी अकल के ताने देते हैं। आपकी अकल आपको ये नहीं बताती कि अगर बहन की जमीन पर एक भाई ऐश कर सकता है तो दूसरे को भी अपनी जरूरत पूरी करने का उतना ही हक है। बात तो आपकी ठीक है, मगर अमल नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे इस घर में कुछ बेहतरी हो सके। अब मैं कहां तक करूं? मुझे तो नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, मैं बात कर लूंगा। बात नहीं करनी, कागजात लाने हैं, जरूरी कानूनी कागजात। हाँ, मगर उसके लिए भी बात करनी पड़ेगी। ये नसीम अहमद तो बेचारा वहां पे आरजी रह रहा है, असल मलकियत मंजूरा के नाम है। आप दुनिया के तौर तरीके कब सीखेंगे? मंजूरा उससे कब्जा लेने की पोजीशन में है? नहीं नहीं, वो बेचारी कब्जा कब और कैसे ले सकती है? तो फिर गांव जाके रजिस्ट्री ले आइए, फैक्ट्री लग जाएगी तो वापस कर देंगे, हम कौन सा उस पर नियत जमाए बैठे हैं। ये ले, हल्की गजा दें इनको और एक दो दिन इनके आराम का खास ख्याल रखें और कल जरूर चेक करवाइएगा। जी बेहतर। अगला मरीज भेजे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। जी, वो दवाई आधी, मेरा मतलब आधे दिन की नहीं हो सकती, इस वक्त इत्तफाक से कुछ पैसा। फिलहाल आप दवाई लीजिए और कल जरूर चेक करवाइएगा। जी नहीं नहीं, प्लीज रखें, टेक इट इजी। ये कर्ज है डॉक्टर साहब, मुझ पर अदा कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं, प्लीज। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। नेक्स्ट। अबा, बुला रहा है बेटा। नसीम अहमद, तुम्हें थानेदार साहब ने हुक्म दिया है, कादर को थाने भेज दो। अच्छा जी। राजीव पुत्र, मैं अब्बा की दवाई लेके आता हूं, आप चली ना जाना अपने बाबा को छोड़ के। बड़े दुख सुख हो रहे हैं दादा, बड़े दुख सुख हो रहे हैं मुनीर अहमद की दीवानी से। बेवकूफ ही है तू भी, दिल आ रही भी तो किस बुस दिल पे। ओहो, यहां दो दो उसको जान देने को फिर रहे हैं और वो एक मौत के खौफ से इधर नहीं आ रहा। मशकूर हो कादरे की जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, सारी जिंदगी रुलने से बचा लिया तुझे। बड़ा पड़ाकू ढूंढा था पूरे गांव में से सहबा ने। मैं तुम्हें कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। नहीं नहीं नौमान साहब, कादर कत्ल नहीं कर सकता। डकैती, तशद्दुद, इकदाम कत्ल और कत्ल जैसे संगीन इल्जामात मेरे पास मौजूद हैं कादर, और वह भी मजबूत शवाहिद के साथ। गिरफ्तार कर लो इसे। ओके सर। ये क्या है? ये जी पेश की जमानत के कागजात हैं। Oh,
इसने अपनी जिंदगी पर नहीं, मेरी साख पर नहीं, मेरे इलाके के हर नौजवान के मुस्तकबिल पर वार किया है। मैं इससे हिसाब लूंगा, इसके बाप को प्यार। लाला जी वो मत कह मुझे लाला। इस लफ्ज का मतलब समझता है? अपनी गंदी जबान से लाला मत कह मुझे। क्या गलती हो गई लाला जी? गलती नहीं शेर जी, जुर्म जुर्म किया इसने और इसकी सजा तुम सबको भुगतनी होगी, क्योंकि मेरी नजर में तुम सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। क्या गलती हो गई लाला जी? तुम्हें नहीं पता शेरा जी, जब बेटे जवानी के जंगल में कदम रख रहे हो तो उनके एक एक कदम पर एक एक पल नजर रखनी चाहिए। तुम नहीं जानते शेरा जी, इंसान कम होते जा रहे हैं और दरिंदे बढ़ते जा रहे हैं, पर वो दरिंदे मासूम नौजवानों को शिकार करते हैं। शेर अली, औलाद से इतनी लापरवाही क्यों? क्यों? बहुत समझाता हूं जी, नहीं समझता। नहीं समझता? जवान बेटा है, सख्ती करते हुए भी अच्छा नहीं लगता, क्या करूं? शेर अली, जवानी की फुनकार को घर, कारोबार की बीन पर मस्त करके अयालदारी की पिटारी में बंद कर दिया करते हैं। कैसे बाप हो तुम? तुम्हारी उम्र भर की कमाई को कोई नशे की नखब लगा गया, तुम्हें पता ही नहीं चला शेर अली। इतनी बेनियाजी, इतनी लापरवाही। पहना और सख्त कर दूंगा, साया बनकर साथ रहूंगा। आपकी मेहरबानी, आपने मेरे दर्द को महसूस किया, मेरे बेटे को बर्बादी की राह से बचाया। शेर अली नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, मेरे मोहल्ले का हर जवान मेरे वतन की रगों में दौड़ता लहू है शेर अली। ये मासूम आदमी, ये बताओ शेर अली, अगर किसी ने मुझे ताना दे दिया कि लाला जुगन ने पैसे के लालच में आकर अपने इलाके के नौजवानों को खराब कर दिया है, नशे के दलदल में धकेल दिया है, तो मैं जिंदा दरगोर नहीं हो जाऊंगा, जिंदा नहीं मर जाऊंगा, किसे मुंह दिखाऊंगा मैं शेर अली? नहीं शेर अली, ये तुम्हारी गफलत है, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। शेर अली, मुझ पर तो इल्जाम लगते ही रहते हैं, मुझ पर तो हर इल्जाम का फंदा मेरे गले में फिट आ जाता है। तुम अकेले नहीं लाला जी, हम सब, हमारी आल औलाद आपके साथ है, आपके पसीने के साथ हमारा खून हाजिर है। चल लाला जी से माफी मांग। ये नहीं होने दूंगा, हट जाओ, हट जाओ, ये ऐसे नहीं जाएगा यहां से। जी लाला जी। इसको यहां रखो, इसका इलाज कराओ, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता यहां से जाने मत देना। बताइए शहर की बुढ़िया किसने दिया से? बता। सुना नहीं लाला जी, क्या पूछ रहे हैं? कादर ने। इतने दिन गांव में कैसे लग गए? पर लगा के उड़ गए दोनों, उड़ते ही जा रहे हैं। मैं वहीं पांव पटक रहा हूं जहां से चला था। जिस तरह नोट गिन गिन के खर्च करते हो, उसी तरह वक्त का हिसाब भी रखना शुरू करोगे तो ये पर कट जाएंगे। इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूं, वो लाइन ही नहीं मिला रहा है, और आपने मोबाइल भी ऑफ किया हुआ है। आउट। जी, तुम अंदर कैसे आ गए? उसने रोका था डैड, मगर अंदर आओ। यस सर। ये अंदर कैसे आ गए? सर मैंने रोका था नहीं, मगर शुएब साहब जबरदस्ती आ गए सर। ठीक है, तुम जाओ। राइट सर।
इस वायलेंस की वजह? I'm sorry, Dad. Sorry, worry, छोड़ो, काम की बात करो. Get out. Dad, दरअसल. Don't waste my time. देख नहीं रहे मैं काम कर रहा हूं. बेटा, काम की बात करो कादिर. मैं दफ्तर में रिश्तों की बात नहीं किया करता. इतने दिन गांव में क्या करते रहे? काम की बात करो सेठ जी. कादिर, तुम्हें मुझसे बात करते वक्त कुछ अद्भुत आदाब का ख्याल रखना पड़ेगा. अच्छा, मसलन? मसलन ये कि छोटे बड़े की पहचान करनी चाहिए. आफरीन है भाई, छोटे बड़े की पहचान है. अब लाला जुगन मुझसे पहले पैदा हो गया, उम्र में मुझसे बड़ा है, तो क्या करूं, एतराब शुरू कर दूं उसका? एहसानपुर के थानेदार का क्या नाम बताया था तुमने? नुमान, नुमान खान. ठीक है, मैं बात कर लूंगा. जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा? अगर एक बार काम के चक्कर में पड़ गया ना, तो फिर असल काम रह जाएगा. तो पहले इम्तिहान तो दे ले. माँ, आधी दुनिया पढ़ने के लिए मुलाजमत करती है, मैं कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? जो काम करने के पैसे देगा वो वक्त तो नहीं देगा ना पढ़ने के लिए बेटा. माँ, ये डॉक्टर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं. इनके क्लिनिक में काम भी है और फुर्सत मिल सकती है. खैर, पहले ठिकाने का कुछ कर ले, फिर देखते हैं. कौन? मैं हूं सलमा. अल्लाह. वालेकुम. बहन, तुम सारा दिन कहाँ रहते हो? हमें तो आज बहुत परेशानी हुई. अच्छा जी, किस बात की परेशानी हुई, क्या हुआ? तुम्हें पूछने तुम्हारे गांव से कुछ लोग आए थे, बार बार पूछ रहे थे. मैंने तो तंग आकर कह दिया कि तुम लोग यहाँ से चले गए. कौन थे वो? मेरा मतलब नाम क्या था? कोई पैगाम छोड़ के गए? अजीब लफंगे से लोग थे, मैंने तो ज्यादा बातचीत नहीं की. उनमें से एक का नाम शायद हदायत था. हदायत? तुम्हारा कोई भतीजा कादर है जी? नहीं नहीं, लगता उनको शायद कोई गलत फहमी हुई है. आपको खामखा परेशानी हुई, तकलीफ हुई, अब कोई आता है तो हम घर पे ही हैं. हाँ भाई, घर पे रहा करो, हमसे नहीं होते ये सवाल. अच्छा, खुदा मेहरबानी. ये हिदायत कौन है? माँ, ये हिदायत वही है जिसने कादर को स्टैंप पेपर लिख के दिया था. ये ले बेटा, रोटी खा ले. खा ले बेटा. अस्सलाम वालेकुम. आओ रशीद, खाना खा लो. नहीं, बड़ी मेहरबानी, मैं सलाम करने के लिए आया था. वालेकुम अस्सलाम. शहर जा रहा है? हाँ, गुजारा नहीं ना होता अब यहाँ पे, खर्चे बढ़ गए. शहर से तो दो आदमी गुजारा हो जाता है, सीधी तरह क्यों नहीं कहता? कादर की वजह से जा रहा है. थाने गया था? हाँ गया था, लेकिन मैंने बयान नहीं दिया. क्यों? अपना गिरेबान फिर उनके हाथ में देने का हौसला नहीं है.
थानेदार ने क्या कहा है? वो हदायत और कादर ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली, वरना थानेदार तो उन्हें बंद करने लगा था। देख रही है कौसर, देख रही है अपने बेटे के कारनामे। श्रीनी बाट गांव में कादर जमानत पर है। अच्छा, रब रख बाबा जी, मैं उन्हें तलाश करूंगा। बहन मंजूरा और मुनीर अहमद जहां भी मुझे मिले मैं उन्हें लेके आऊंगा। हाँ रशीद, उनसे कहना अब्बा बड़ा सख्त बीमार है और उन्हें बहुत याद करता है। हाँ। बेटा, ये क्या कर रही है ये? हद हो गई अम्मा, इस तरह तो जिंदगी नहीं गुजरेगी। कादर नहीं जीने देगा इस तरह। मैं हर वक्त सोचता रहा कर, पर भी कोई ताकत है, अगर उसे मंजूर हुआ ना तो छठी खाने का भी बंदोबस्त हो ही जाएगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है बेटा। हाँ माँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है, पर दौलतमंद के लिए, गरीब के लिए तो बहुत छोटी है, बहुत तंग सी दुनिया है। रोटी के चक्कर में फुर्सत ही नहीं मिलती। तो फिक्र ना कर, पैसे हैं। मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा माँ, मैं तो रकम दौलत की बात कर रहा हूँ। पहले खाना खा ले, रकम भी है मेरे पास। अब ये कहोगी कि मैं तुम्हारी दौलत हूं, है ना? ये देख, ये तेरे बाप बेचती की ना आखिरी निशानी रह गई थी मेरे पास, इसे बेच दे बेटा, देख ले। वो बेचती अब भी हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हमारे साथ है। क्या करती हो तुम? नहीं हिदायत, ऐसा नहीं हो सकता। वो औरत तैयार मक्कार धोखेबाज नहीं हो सकती। उसकी आंखों में बहन का प्यार और उसके चेहरे पर ममता का नूर है। लाला जी, वो नहीं है जो नजर आती है। आप खुद बताएं, खानदान बरादरी की आबरू लेकर घर से निकल आने वालियां अच्छी और नेक हो सकती हैं। घर से जेवर और कैश लेके भागे हो माँ बेटा, उसका बाप और भाई घर में कैद होकर रह गए शर्म के मारे। ये देखिए, ये मेरे पास सबूत है। ये डॉक्यूमेंट तुम्हें कहां से मिला? ये तो जी बड़े अरसे से मेरे पास बेकार पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि इस दफा अंगूठी बनवा लूं, वो इसलिए ले आया था साथ। पसंद आया ये हार तुम्हें? मैं बाहर जा रहा हूं, काश मैं तुम्हारी शादी में शिरकत कर सकता। मेरी तरफ से ये तोहफा भाभी को दे देना, जिंदगी रही तो फिर भी लेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। झूठ बोलते हो तुम, मुझे सच तक पहुंचना आता है।
सच सच बताओ ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? बताओ। तंदूर पे लाला जी, थोड़ी देर पहले मंजूरा से। मेरे मरहूम दोस्त खुशी मोहम्मद की बेवा मंसूरा। मुझे लाला जी, खुशी मोहम्मद तो बड़ा नेक और अच्छा आदमी था, उसके मरने के बाद इस औरत ने वो रंग पकड़े। बकवास मत करो इधर। खैर जी लाला जी, पूरे शहर में फैल जाओ। मेरे मरहूम दोस्त खुशी मोहम्मद की बेवा इस शहर में दर बदर ब्यासा फिर रही, उसको और उसके बेटे को ढूंढ कर लाओ, जल्दी जाओ। सफिया देखो, अगर मेरी कोई गलती है तो तुम मुझे सजा दे लो, लेकिन प्लीज इस तरह तो मत बैठो। तुम चाहती हो कि मैं खुशी खुशी जाने के बजाय बहन की नाराजगी का बोझ दिल पर लेकर जाऊं? तुम्हें मेरी कसम, अपना मूड ठीक करो प्लीज। मैंने क्या किया? देखो सफिया, अगर तुम इस तरह बैठोगी तो ये सब क्या सोचेंगी? भाई सारी जिंदगी तो बातें करती रही हो आप, अभी तक आपका दिल नहीं भरा? बास बातें ऐसी होती हैं जनाबा जो आप जैसी बीज मालों के सामने नहीं की जा सकती। That's it, ये बिना बात। अब जाओ अपने जैसी खूबसूरत कॉफी बना कर लो, हम तुम्हारे घर मेहमान हैं। मुलाजमा तक तो निकाल दी कंजूसो। भाई इस घर में शकीला के ससुराल के नक्शे कदम पे चलते हुए मुलाजमा निकाली नहीं गई, बल्कि सिर्फ उसका नाम चेंज हुआ है। जी हाँ, और नाम रख दिया है सफिया। ये सफिया, जाओ सफिया कॉफी लेकर आओ। चलो अभी हाजिर करती हूँ जनाबा। हाँ जी भाई, ये भी बनकर आ गया। भाई बता नहीं रही शकीला कि गिफ्ट क्या लोगी? इसमें पूछने की क्या बात है, जो तुम्हें अच्छा लगेगा दे देना। भाई मुझे तो दिमाग में बिला वजह बोझ डालने की आदत बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा करें कि मार्केट चलना मेरे साथ और जो जो दिल चाहे खरीद के जाना। ठीक है जनाब, खरीद लेंगे। अब जल्दी जल्दी काम खत्म करो। वाकई अब्बा जी की तबीयत इतनी खराब हो गई है? बहुत ज्यादा खराब हो गई है, अब तो हकीम साहब ने भी जवाब दे दिया। यार ये हुआ क्या उन्हें? फालिज की वजह से ना बायां हिस्सा माजूर हो गया उनका। हकीम साहब कहते हैं कि गांव में तो इसका इलाज नहीं है, अब शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाएं। हकीम साहब ने ये बड़ी अजीब बात कह दी। आजकल गांव और शहर में फर्क ही क्या रह गया है? लोग तो साफ आबोहवा के लिए गांव चाहते हैं। मुझे तो जी भाई नसीर मोहम्मद ने कहा था कि पैगाम दे देना, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं है, आप किसी तरीके से वहां आ जाएं। ठीक है, आप मिलें जाके अब्बा जी से, इसी बहाने भाई नसीर मोहम्मद से बात भी हो जाएगी। ठीक है। आपने कुछ खाना वाना खाना है तो बताएं भाई साहब। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गांव वालों को लेके ही बैठ जाते हैं। मुनीर अहमद, बहन मंजूरा, तुम्हें कुछ पता है? क्या? वो बाबा मोहम्मद बख्श की हालत बहुत नाजुक है, डॉक्टर और हकीम ने जवाब दे दिया है, उसका बचना बहुत मुश्किल है। उसकी जुबान पे सिर्फ तुम्हारा नाम है तो उसका दम भी नहीं निकल रहा। अब्बा हाँ
नहीं माँ, नहीं, देख नहीं रही हो कादर के बंदे हैं, वो बाज नहीं आएगा। अब्बा, 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 अ